बच्चों, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम विद्युत के बारे में जानेंगे कि विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। दूसरा हम जानेंगे विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है, ठीक। फिर जानेंगे धारा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। और हम जानेंगे ओम के नियम को। ओम के नियम में हम प्रतिरोध को भी जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले विभव के बारे में, पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल क्या होता है, इसका मात्रक क्या है और उस मात्रक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान के चलिए कि एक कोई आदमी है और एक बी आदमी, ए पर्सन बी पर्सन की ओर आ रहा, राइट। अब ए पर्सन इसके लिए हटने के लिए बोलता है लेकिन ये हटता नहीं, ठीक। अब ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। धक्का देगा तो ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, ठीक। चूंकि इसमें ताकत ज्यादा है, ए पर्सन में क्या है, ताकत ज्यादा है और बी में ताकत कम है, तो ये इसको धक्का देगा। ए भी इसका विरोध करने की कोशिश करेगा, ए भी क्या करेगा, इसको धक्का देने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी इसमें पावर ज्यादा है तो इसको क्या करेगा, इसको अलग करके आगे की ओर निकल जाएगा, ठीक है, या फिर अपने में ये शामिल करके आगे निकल जाएगा। ऐसे ही कुछ होता है विभव। विभव में क्या होता है कि जब कोई भी एक आवेश बोल सकते हैं कि जब कोई एक आवेश अनंत पे होता है, ठीक है। इसके लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो कि यहां पर एक आवेश है, क्यू प्लस आवेश एक अनंत पर स्थित है, कहीं भी दूसरी जगह पर आपका स्थित है और ये आवेश ट्रेवल कर रहा है किसी एक बिंदु, मान के चलो कि ये ए बिंदु है, ए बिंदु की ओर आ रहा है, यहां भी एक क्यू प्लस आवेश है। अब हम सभी जानते हैं कि जब सेम चार्ज होते हैं क्यू प्लस और क्यू प्लस चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल होगा, ठीक है, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से क्या होगा, इसको एनर्जी अर्थात इसको वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जो भी एक एकांक आवेश है या फिर जो अनंत पर आवेश स्थित है, इस आवेश को यहां आने के लिए इस आवेश के प्रति उसको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण के विरोध में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस बिंदु पर जितना भी ये कार्य किया जा रहा है वो कार्य आपका क्या है, विभव है या पोटेंशियल कहलाता है बच्चों, ठीक है। अनंत पर कोई आवेश है, उस आवेश को किसी चालक के किसी एक बिंदु पर आने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का मात्रक, यदि आप इसकी मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक, पोटेंशियल का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो वी इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू। कहने का मतलब है कि अनंत से क्यू आवेश लाने पर उसको डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहां पर इसकी यूनिट निकालनी है हमें, इसकी इकाई निकालनी है, तो इकाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंश में क्या है, कार्य, कार्य की इकाई होती है जूल, ठीक है, और आवेश की इकाई होती है कूलाम। आवेश की इकाई होती है क्या बच्चों, कूलाम। तो यहां पे हम लिखते हैं जूल अपॉन कूलाम, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं जूल पर कूलाम बच्चों। इस प्रकार विभव की इकाई हो जाती है जूल पर कूलाम, ठीक है, ठीक है बच्चों। या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं वोल्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों वोल्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल की इकाई जूल पर कूलाम होती है, और पोटेंशियल क्या होता है कि जब कोई भी अनंत से कोई एकांक आवेश आता है तो किसी भी चालक के बिंदु पर उसको लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य पोटेंशियल कहलाता है। अब मान के चलिए कि ये जो बिंदु है, आपको ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है ए बिंदु पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना है आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको अच्छे से। मान के चलिए कि ये के परिपथ है, यहाँ पर एक ए बिंदु लिया गया है, एक बी बिंदु लिया गया है, इसके दो सिरे हैं, राइट, एक ए सिरा दूसरा बी सिरा। अब बी सिरा पर जब कोई बाहर से आवेश आया तो इसका पोटेंशियल हो गया V1, राइट, इसका पोटेंशियल हो गया
V1 और A का पोटेंशियल हो गया V2। अब आपसे बोला जाए कि बताइए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, इसका विभवांतर कितना आया, जो दोनों दोनों सिरों पर जो विभव है, विभव का अंतर क्या है। मान के चलो V1 का कितना वोल्ट विभव है, इसका मान के चलो 10 वोल्ट विभव है, और V2 का कितना है, 20 वोल्ट विभव। ठीक है, इसका 20 वोल्ट है और इसका कितना वोल्ट है बच्चों, 10 वोल्ट है। और आपसे बोला जाए कि बताइए दोनों विभव में अंतर क्या है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर V2 माइनस V1 करेंगे, मीन्स यहाँ पे कर देंगे 20 माइनस 10, तो यहाँ पे विभवांतर V आ जाता है आपका 10। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बच्चों, या PD, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं PD से, या तो आप PD से या फिर V से प्रदर्शित करते हैं, ज्यादातर हम V से ही प्रदर्शित करते हैं विभवांतर के लिए। और इसकी इकाई की बात करें तो इकाई क्या होगी बच्चों, इसकी यदि हम इकाई की बात करें तो इकाई के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जो वोल्ट की इकाई होती है, चूंकि आवेश ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ना कोई उनको वर्क करना पड़ रहा ट्रेवल करने के लिए, हम भी पैदल चलते हैं, ठीक है बच्चों, हम भी जब पैदल चलते हैं बच्चों तो हमें भी क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। मान के चलो आप ये पैदल ऐसे ऐसे आप चलते जा रहे हैं, तब भी आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसी के आधार पर आप इकाई निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि इकाई को बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अब मान के चलो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है आवेशों के लिए, W कार्य करना पड़ रहा है बच्चों, कितना कार्य करना पड़ रहा है, W कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, और कितने आवेश ट्रेवल कर रहे हैं आपके, क्यू आवेश ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा इस यहां पर, देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं V = क्योंकि कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है बच्चों, जूल होती है, और आवेश की इकाई क्या होती है या चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, तो यहाँ पे आप कूलाम लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा जूल पर कूलाम। जो इकाई पोटेंशियल की होती है वही इकाई पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, मीन्स विभव और विभवांतर की इकाई सेम होती है, ठीक है, क्योंकि सेम कंडीशन बन रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका जैसे मान के चले आप जूल पर कूलाम के लिए आप वोल्ट लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जूल पर कूलाम के लिए आप वोल्ट भी लिख सकते हैं, तो एक वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, यदि आपसे बोला जाए कि एक वोल्ट के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। मान के चलिए यहाँ पर एक चालक का एक सिरा ए है और एक सिरा क्या है, बी है, ठीक है। अब यहां पर Q आवेश के लिए देखिए यहां पर एक Q+ आवेश है, ठीक है, इस आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक, राइट, A बिंदु से B बिंदु तक आने के लिए, अब ये आवेश कितने हैं बच्चों, एक कूलाम है, एक कूलाम आवेश को, ठीक है, A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, इसको एक जूल कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, तो जितनी भी धारा बह रही है उसको हम कहते हैं एक वोल्ट। इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चालक है, ठीक, अब चालक में कोई दो बिंदु लिए हमने, ठीक है, अब दोनों बिंदुओं के बीच में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है और उसके द्वारा इस बिंदु से इस बिंदु तक आने के लिए एक जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि एक वोल्ट की धारा इसमें बह रही है, या इसका विभवांतर कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक वोल्ट है, ठीक है। अब या फिर आप दूसरे तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, मतलब W अपॉन क्यू, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं वर्क की इकाई या कार्य की इकाई जूल होती है और आवेश की इकाई कूलाम होती है, तो जूल पर कूलाम, या इसको आप वोल्ट लिख सकते हैं। अब हम क्या करें कि इसको हम एक जूल और कूलाम के लिए एक कूलाम कर दें
और इसी को आप शब्दों में बोल दें तो एक वोल्ट की परिभाषा बन जाएगी बच्चों। यहाँ पर यदि आप एक वोल्ट को डिफाइन करेंगे तो एक जूल और एक कूलम अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश के लिए एक जूल कार्य करना पड़ जाए तो उसे हम कहते हैं एक वोल्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है एक वोल्ट। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विभव है या धारा है वो कम विभव से अधिक विभव की ओर बहती है कि अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है। यहाँ पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो धारा या हम बोलते हैं कि विभव के माध्यम से हम कहेंगे कि धारा किस ओर बहेगी, अधिक विभव से कम ओर कम विभव की ओर जाएगी कि कम विभव से अधिक विभव की ओर जाएगी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दो टैंक दिखाई दे रहे होंगे, टैंक ए और टैंक बी। अब टैंक ए और टैंक बी अभी लेवल इनका कैसा है बच्चों, बिल्कुल सेम लेवल है, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका पानी ना तो इसमें आएगा और इसका पानी ना तो इसमें आएगा, ठीक। अब मान के चलिए कि अब टैंक ये भरा हुआ है कहां तक, ये थोड़ा सा खाली है, और बी टैंक क्या है बच्चों, बी टैंक आधे से ज्यादा खाली। अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में इस ए टैंक का पानी बी टैंक में जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि इनका लेवल एक जैसा नहीं हो जाता। ऐसे ही कुछ होता है विभव में, ठीक है। अधिक विभव से हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अधिक धारा हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है, अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है, ठीक है। या आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान के चलो कि यहाँ पर एक लोहे की छड़ रखी हुई है, ठीक है, या एक लोहे का पत्ता रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसको गर्म किया, यहाँ पर एक छोर को आपने गर्म कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, इसको एक छोर को आपने इसको गर्म किया, यहाँ पर गर्म किया तो इस छोर का टेम्परेचर हो गया लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया बच्चों, 50 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे छोर का जो टेम्परेचर था वो लगभग आपका 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि बताइए कि इस लोहे के पत्ते में ऊष्मा किस छोर से किस छोर की ओर बहेगी। मान के चलो ए सिरा ए है और बी सिरा ए है, तो किस सिरे से किस सिरे की ओर ऊष्मा बहेगी। तो इसमें ऊष्मा बहेगी आपकी ए से बी की ओर। क्यों बहेगी, क्योंकि ए का ताप ज्यादा है, ए का ताप ज्यादा है तो यहाँ की ऊष्मा अधिक होगी, बी का ताप कम है तो बी की ऊष्मा कम होगी। तो यहाँ पे ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर बहेगी, ठीक है, अर्थात ए से बी की ओर बहेगी। ऐसे ही विभव में होता है बच्चों, विभव में क्या होता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी ट्रेवल टू लो पोटेंशियल एनर्जी बेटा। एक बात ध्यान रखना कि हमेशा अधिक विभव से धारा कम विभव की ओर बहती है। तो अभी तक हमने जाना पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है, इनकी यूनिट्स क्या है, ठीक है। और उस यूनिट्स में मैंने जाना एक वोल्ट की परिभाषा भी जानी कि एक वोल्ट क्या है। आपसे सडनली कोई पूछ ले कि एक वोल्ट क्या है, आप तुरंत बता देंगे कि हम जानते हैं कि वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलाम, तो एक जूल कर दो और एक कूलाम कर दो तो ये आपका एक वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, हम विद्युत धारा की बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए मान के चलो कि आपने एक परिपथ लिया, एक चालक लिया, मान के चलो आपने इसका ए सिरा ए है और बी सिरा ए है, बी सिरा का पोटेंशियल आपका V1 है और ए सिरा का पोटेंशियल V2 है, ठीक है। अब कोई आवेश V1 से ट्रेवल कर रहा है या B से ट्रेवल कर रहा है A की ओर, ठीक है, कोई भी Q आवेश आपका क्या कर रहा है, B से A की ओर ट्रेवल कर रहा है, ठीक। अब B से A तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, T टाइम, ठीक है ना, कितना टाइम लगा, T। अब इसी को हम यदि सूत्र के फॉर्म में लिख दें, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दें तो आपका वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा बच्चों, या इलेक्ट्रिक करंट की वो डेफिनेशन बन जाएगी। आप इसको कैसे शब्दों में बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, ठीक है। धारा को हम कैसे बोल सकते हैं, धारा को हम I से दर्शाते हैं बच्चों, ठीक है, धारा को हम कैसे दर्शाते हैं, I से दर्शाते हैं। और इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, Q / T,
अर्थात इसमें कितने आवेश बह रहे हैं, Q या कूलाम, कूलाम में आवेश बह रहे हैं, समय कितना लग रहा है T, तो Q अपॉन T ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये धारा हो जाएगी, धारा की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, जो भी आवेश ट्रेवल कर रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं तो जाने में समय कितना लगा उसको एक बिंदु दूसरे बिंदु, तो उनका आप रेशियो निकाल दें तो धारा बन जाती है, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। किसी भी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब बात आती है इसकी यूनिट की। ठीक है, कि धारा की यूनिट क्या है, जैसे विभव की यूनिट बताई, विभवांतर की यूनिट बताई आपने, इसी प्रकार धारा की भी यूनिट बतानी पड़ेगी कि धारा की यूनिट क्या होगी। देखिए इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू, क्योंकि इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। ठीक है, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड, क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है। ठीक, कूलाम पर सेकंड, इसके लिए आप लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड, या फिर इसकी एसआई यूनिट्स होती है, एसआई यूनिट्स के लिए आप डायरेक्ट एम्पियर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यदि आप एक एम्पियर को डिफाइन करना चाहें, यहां पर यदि एक एम्पियर को आप डिफाइन करना चाहें तो यहां पे कूलाम पर सेकंड हो जाएगा, तो अर्थात एक कूलाम और एक सेकंड, अर्थात किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश लगातार एक सेकंड तक प्रवाहित होते रहें तो उसमें एक एम्पियर धारा बहती है, अर्थात एक एम्पियर को आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी परिपथ में एक कूलाम आवेश यदि एक सेकंड तक लगातार प्रवाहित होते रहें तो उसमें एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आप हम देखते हैं मोबाइल के जो चार्जर होते हैं वो अक्सर 2 एम्पियर 3 एम्पियर के होते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें उतने सेकंड तक उतने कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उतने कूलाम आवेश उतने सेकंड तक प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका चार्जर कितने एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 कूलाम 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, अर्थात 2 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर धारा की प्रबलता को हम माप सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो धारा मापी जाती है, धारा हमेशा अमीटर से मापी जाती है, ये हमेशा अमीटर से मापी जाती है। ठीक है, और यदि विभव की बात करते हैं, यदि हम विभव को मापते हैं तो इसको हम वोल्टा मीटर से मापते हैं बेटा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वोल्टा मीटर से मापा जाता है। ठीक है, और धारा के लिए अमीटर से मापा जाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये एम्पियर में मापते हैं और ये वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। बोलते हैं कि विद्युत परिपथ, अब विद्युत परिपथ में आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई वायर है। ठीक है, आपने क्या किया, एक वायर लिया, ठीक, एक लंबा सा वायर है। ठीक, ये वायर आ रहा है, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक आपने ले लिया बल्ब, क्या ले लिया बल्ब, अभी वायर आए हुए हैं, अब मान के चलिए आपने यहाँ पर ये यहाँ से कहीं से लाइन आई हुई है, यहाँ पर ये आपका मीटर लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक प्लस, यहाँ से प्लस आया इस बल्ब में, ठीक, इसे ऐड हुआ, और यहाँ से आपका नेगेटिव चार्ज आया, वो यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक परिपथ बन गया, अर्थात विद्युत धारा की पथ, जो विद्युत धारा का पथ है, यदि ये सतत है, एक बंद पथ है या सतत है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं, जिसके माध्यम से जो लाइट सोर्स रहते हैं, जैसे बल्ब हैं आपके, फैन हैं, ये सब चल पाते हैं, वो पथ क्या कहलाते हैं बेटा, परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, परिपथ बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, अब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो अभी मैंने आपको एम्पियर की परिभाषा बताई है कि एक कूलाम आवेश लगातार एक सेकंड तक प्रवाहित होता रहे किसी भी चालक पर, तो हम बोलते हैं कि एक एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है।
ठीक है। तो एक एम्पियर को आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि एक कूलम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो हम कहते हैं कि एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स है, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, ठीक है, एक कूलम आवेश, ठीक बच्चों। अब देखिए यहां पे हमें समझना है कि एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.60 इंटू 10^-90 कूलम, ये आवेश होता है ना। तो अब यहां पर एक कूलम को हम डिफाइन करना है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.60 × 10^-19 कूलम। तो एक कूलम बराबर यहां पे हो जाएगा बच्चों, एक कूलम बराबर हो जाएगा कितने गुना इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए आपने एन गुना इलेक्ट्रॉनों की आप बात कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है आपकी, 1/1.60 × 10^-19 कूलम, ठीक है, ये ले सकते हैं, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बेटा, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आवेश के बराबर एक कूलम आवेश होगा, अर्थात इतने, मान के चलिए n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो n इलेक्ट्रॉन एक कूलम के बराबर होगा। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे आप ये पावर इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10^19/1.60 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दशमलव के बाद जीरो हटा देते हैं, जीरो नहीं लिखते हैं इसमें, ठीक है बच्चों, 1.6 बस लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1.6 में दशमलव को या पॉइंट्स को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए बेटा 10 में 16 का डिवाइडेशन करना है, 10 में 16 का भाग देना है, तो प्रॉब्लम फिर से पॉइंट आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक 10 इसमें से ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10^18 × 10 × 10 मीन्स 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 100/16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 10 राइट। यहाँ पे 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 6.25, कैसे आ जाएगा, 16 × 16 और 16 × 6 कितने होते हैं, 96, 4 बचे, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 × 16 = 32, फिर 8 बचेंगे आपका, फिर 16 × 5 = 80, तो 6.25 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आ गया 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश एक कूलम बराबर होता है बच्चों 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर एक कूलम आवेश होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मेजर करना भी आना चाहिए कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बराबर होता है, वही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये निकाला है कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, कितने कूलम आवेश होता है, 1.609 × 10^-19 कूलम, ठीक है। तो यहां से पूरा हम क्या करेंगे, उठा के इसके अपॉन में ले आएंगे, तो ये कूलम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखिए मान के चलो आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया x = 2y,
तो अब y इक्वल टू निकालना है तो आप x अपॉन टू कर दोगे ना, इसका जो भी गुणांक है इसके अपॉन में ले आओ, ऐसे ही तो यहाँ पे किया गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका एक कूलाम के बराबर हो जाएंगे आपके कितने 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर एक कूलाम आवेश होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ओम के नियम की। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहां पर ओम के नियम को हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चों यहां पे। ठीक है, ठीक बच्चों एक मिनट, देखिए अब हम जानते हैं प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या कहलाता है। अब मान के चलिए कि यहां पर एक नदी बह रही है, इस प्रकार से क्या है, एक नदी है। ठीक है, एक नदी बह रही है। ठीक, अब इस नदी में बहुत अच्छा साफ स्वच्छ जल बह रहा है। ठीक है, अच्छा एक स्वच्छ जल बह रहा है इसमें। ठीक, ये पानी बह रहा है इस नदी में। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, कोई इसमें कोई ए पर्सन इसमें क्या करता है, यहां पे बड़ा सा पत्थर रख देता है। यहां पे क्या करता है, बड़े बड़े पत्थर को रख देता है यहां। ठीक, अब पत्थरों को रखने पर ये जो पानी है, पानी में क्या उत्पन्न हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया। अवरोध मतलब या तो पानी इस पत्थर के ऊपर से जाएगा या इसके बाजू से निकलने की कोशिश करेगा। मतलब पानी को निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, अर्थात इसको निकलने में परेशानी होगी, इन पत्थरों की वजह से अवरोध उत्पन्न हो गया। तो इसी अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये क्या कर रहा है, पत्थर पानी का प्रतिरोध कर रहा है, पानी को बहने नहीं दे रहा है। ठीक है, नदी में पानी को शांति से बहने नहीं दे रहा है, तो इस पत्थर को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। ऐसे ही कुछ होता है परिपथ। ठीक है, अब आपने मान के चलिए एक परिपथ लिया, इसका ए सिरा और एक बी सिरा है। ठीक है, अब इसमें से आई धारा बह रही है, कौन सी धारा बह रही, आई धारा बह रही है, एम्पियर में धारा बह रही है, और इसका विभवांतर क्या है, वी है, इसका विभवांतर वी है। अब देखिए, अब यहां से धारा बह रही है इसके तार के कारण, तार की प्रकृति के कारण कहते हैं। अब आप ये बताइए बेटा कि हमेशा आपने देखा होगा कॉपर एल्यूमिनियम इन्हीं वायर्स का उपयोग किया जाता है, लोहे का बहुत ही कम यूज किया जाता है, लोहे का यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि उसमें पता चला कि आधी धारा तो बीच में ही खत्म हो गई, आपकी ऊष्मा के रूप में धारा चली जाती है। ठीक है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों, क्योंकि इनका प्रतिरोध कम होता है। तो तार की प्रकृति के अनुसार इसका प्रतिरोध कितना होता है, आर प्रतिरोध, अर्थात इस चालक का प्रतिरोध आर है, अर्थात धारा के बहने में वह कारक जो उस पर रुकावट डालता है, उस रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। और हर पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, पदार्थ सुचालक की बात कर रहा हूं, जो विद्युत के प्रति सुचालक होते हैं, हर पदार्थ, हर सुचालक पदार्थ में प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसका मान फिक्स है। जैसे सिल्वर का है, सिल्वर का प्रतिरोध बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है, निश्चित रहेगा, इसलिए इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, प्रत्येक पदार्थ मान नहीं बदलेगा इसका। ठीक है, तो मान के चलो एक चालक है, ए भी चालक है, इसका प्रतिरोध आर है, विभवांतर वी है, और धारा आई, और ताप और दाब अपरिवर्तित है। ताप और दाब क्या है बेटा, अपरिवर्तित, ये परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तब इस स्थिति में इन तीनों में एक रिलेशन होता है, ध्यान से समझना, इन तीनों में क्या होता है, रिलेशन होता है, अर्थात विभवांतर धारा और प्रतिरोध में एक संबंध बताया गया है, तीनों में एक रिलेशन है। इसी रिलेशन को बताने वाले सूत्र को हम ओम का नियम कहते हैं। अब ओम का नियम क्या कहता है, उसके लिए समझते हैं। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक का तापदाब अपरिवर्तित हो या समान तापदाब, ठीक है,
तब इस स्थिति में उस चालक का विभवांतर, उस चालक का विभवांतर, ठीक है, उस चालक का विभवांतर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि किसी चालक का ताप और दाब अपरिवर्तित रहता है, तब इस स्थिति में उस चालक का विभवांतर, उस चालक के दो बिंदुओं का विभवांतर, या बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं का कोई ना कोई विभवांतर होगा ना, दो विभव का अंतर, तो विभवांतर उसमें बह रही धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे देखिए अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा, वही स्थिरांक यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, आर आई आया। तो ये ओम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ओम का नियम कहलाता है। और यहाँ पर यदि आप आर को डिफाइन करें कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। आप इसको ले सकते हैं या फिर इसको शॉर्ट में आप डायरेक्ट लिखते हैं, प्रतिरोध की इकाई डायरेक्ट आ जाती है ओम। क्या आती है बच्चों? डायरेक्ट इकाई आती है इसकी ओम, प्रतिरोध की इकाई होती है, डायरेक्ट ओम बोल सकते हैं आप, ठीक है। और प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। पदार्थ किस पर निर्भर करता है? ये पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। जितने भी प्रतिरोध हैं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा बच्चों। कैसे करेगा? देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, किसको? प्रतिरोध को, ठीक है, आर को प्रभावित करने वाले कारक। आर को कौन कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रकृति, अर्थात धातु की प्रकृति या चालक की प्रकृति कैसी है, ठीक है बच्चों, कि जो चालक है, चालक की प्रकृति कैसी है, ठीक। अब प्रकृति से मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक क्या होता है? चांदी होती है, ठीक है, क्या होती है? चांदी। फिर क्या होती है? कॉपर, एल्यूमिनियम। उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर प्रतिरोध डिफाइन कर सकते हैं। अब बोलोगे कि नहीं, धारा से इसका क्या संबंध? धारा से संबंध है बच्चों, धारा से इसलिए संबंध है क्योंकि R बराबर क्या है, V अपॉन क्या है, I है। जितनी ज्यादा उसमें से धारा बहेगी उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, ठीक है। यहां पे क्या है R, आप चाहे तो इन्वर्स कर सकते हैं, R रेसिप्रोकल I, अर्थात I का मान जितना ज्यादा होगा R का मान उतना कम होगा, अर्थात धारा जितनी तीव्रता से बहेगी उसका प्रतिरोध उतना कम हो, धारा कम बहेगी तो उसका प्रतिरोध। इसलिए हम कहते हैं कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। दूसरा है चालक की लंबाई, ठीक है, चालक की लंबाई, ठीक है बच्चों। अब मान के चलो कि बहुत पतला सा तार है और बहुत उसकी लंबाई ज्यादा है, तो ज्यादा लंबाई होने पर आर का मान पड़ता है, ज्यादा मान क्या होगा बेटा, लंबाई होने से देखिए आर का मान कम क्यों होता है, इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो। जिस धारा बहती है आपने देखा होगा कि कुछ ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये जैसे ही इसके तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा खर्च होने लगेगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और धारा की तीव्रता भी कम हो जाती है, धारा कम बहती है फिर, ठीक है बच्चों। तो चालक की लंबाई, तीसरा है, ठीक, चालक की लंबाई हो गई। तीसरा है यहां पर ताप पर, ठीक, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। क्रॉस एरिया सेक्शन की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर एक क्या है, एक छड़ है, देखिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए कहलाता है, यहाँ पे इसका सामने रहता है ना। जैसे मैं इसके अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल की बात करूँ बच्चों, ठीक है, यदि मैं इसके अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल की बात करूँ तो देखिए इसका ए वाला जो हिस्सा है ना,
ये आप देख सकते हैं, इसका ये जो हिस्सा होता है ना, इसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा बच्चों, ठीक है ना। मोटाई अर्थात तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना कम रहेगा और उतनी अच्छी धारा बहेगी उसमें, ठीक है ना। तो अच्छी धारा बहने के लिए उस तार का मोटा होना भी जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो क्षेत्रफल पर या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट आ जाएगा ताप पर। देखिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो क्या है, उसकी धारा में रुकावट आएगी, ठीक है। रुकावट आएगी मतलब ताप पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो तीन पॉइंट जाने, देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, पहले पॉइंट चालक की प्रकृति पर, ठीक है। प्रकृति के लिए आप डायफ्राम लिख सकते हैं, चालक की लंबाई को लिख सकते हैं कैसा, आर प्रोपोर्शनल टू एल, लंबाई के लिए एल से रिप्रेजेंट करें। तो फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं आर रेसिप्रोकल, आपका क्या जाएगा ए, ठीक है ना। इन दोनों को यदि एक साथ लिखा जाए, यदि दोनों को आप एक साथ लिखें तो क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाएगा बच्चों। कहने का मतलब है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप किसी चालक के प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मान के चलो आपको क्या करना है, ए समानुपाती का साइन हटाना है, हटाना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप उसको हटाएंगे तो एक नया नियतांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको, एक नया नियतांक रो आ जाता है। इसी रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसकी इकाई क्या होती है। आज के लेक्चर में हमने जाना विभव क्या है, अनंत से एकांक आवेश को या किसी प्रकार के आवेश को चालक के किसी बिंदु पर लाने के लिए जितना कार्य करना होता है उसे हम विभव कहते हैं, विभव की इकाई वोल्ट होती है, ठीक है बच्चों। फिर हमने जाना विभवांतर क्या होता है, किसी भी चालक, ठीक है, किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को या पोटेंशियल की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर की भी इकाई वोल्ट होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा धारा के बारे में, धारा को जाना कि धारा क्या है, तो धारा आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, धारा की इकाई एम्पियर होती है, ऐसा ही इकाई धारा की एम्पियर है और वोल्ट की ऐसा ही इकाई वोल्ट है, ठीक है। विभवांतर की ऐसा ही इकाई क्या है, वोल्ट है बच्चों। ओम के नियम में हमने जाना कि यदि किसी चालक के ताप दाब समान है या स्थिर है तब उस चालक का विभवांतर धारा के या उसमें बह रही धारा के समानुपाती होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नमस्कार।